वो एक ही मनुष्य सृष्टि में शख्सियत है जो मनुष्य सृष्टि के चक्र में ऑलराउंड पार्ट बजाती है, जिसके लिए गीता में बोला है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। देर इज ओनली वन पर्सनैलिटी इन द ह्यूमन वर्ल्ड हु प्लेज एन ऑलराउंड पार्ट इन द ह्यूमन वर्ल्ड साइकिल। इट हैज बीन सेट फॉर हिम इन द गीता, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य होता है, सत्य होता है, उसका इस सृष्टि पर कभी अभाव नहीं होता। इट मीन्स देर इज नेवर द शॉर्टेज ऑफ ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड। चार युगों की सृष्टि, खलास हो जाए, दिस वर्ल्ड ऑफ फोर एजेस में कम टू एन एंड, प्राणी मात्र खलास हो जाए, मनुष्य मात्र खलास हो जाए, ऑल द लिविंग बींग्स में पेरिश, ऑल द ह्यूमन बींग्स में पेरिश, शरीर छोड़ जाए, दे में लीव द बॉडी, लेकिन वो एक ही शख्सियत है जिसके लिए हमारे भारतीय शास्त्रों में गायन है। बट देर इज ओनली दैट वन पर्सनैलिटी फॉर हुम इट इज फेमस इन अवर इंडियन स्क्रिप्चर्स, जिसने काल को जीत लिया, ही हैज गेन विक्ट्री ओवर काल, दैट इज टाइम और डेथ। इसलिए क्या कहा जाता है, कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। दिस इज वाई वॉट इज ही कॉल्ड द डेथ ऑफ द डेथ्स, द ग्रेट डेथ, दैट इज कालों का काल, महाकाल, हु कैनॉट बी डिवोर्ड बाई एनी काइंड ऑफ डेथ। वो सारी दुनिया को खा जाएगा, ही विल डिवोर द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाप समान स्टेज धारण कर लेता है। बट नो वन कैन सी हिम गोइंग इन द जॉस ऑफ डेथ एट ऑल, बिकॉज ही इम्बाइब्स द स्टेज लाइक दैट ऑफ द फादर। जैसे बाप सदाशिव है, जस्ट लाइक द फादर इज सदाशिव, दैट इज बेनिफिशियल फॉर एवर, ऐसे बाप का बड़ा बच्चा भी कैसी स्टेज धारण करता है। What kind of stage does the eldest child of the father to assimilate? सदाशिव जब तक जीवन है, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, तब तक वो आत्मा सदाशिव की स्टेज में स्थिर होकर रहती है। Student equal to Shiv, as long as he is alive, as long as it is the Purushottam confluence age, that soul stays stable in the stage of being Sadashiv. Baap ki seat par set ho karke rehti hai. He stays set on the seat of the father.